subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अरे वाह बेटा, तेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है? जरा मुझे भी तो सुना क्या पढ़ रहा है। दादा मैंने सब पढ़ लिया। परशुराम ने अपने जीवन में बहुत बड़े काम किए। परशुराम ने उन सबको मार डाला था जिन्होंने उनके पिताजी को मारा। हाँ दादा,
राम ने रावण को मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था, और राम और कृष्ण ने जो बड़े बड़े काम किए ये नहीं पढ़ा तूने? वो कितने महान थे ये नहीं पढ़ा तूने? जब तक मैं उन बदमाशों का मान नहीं डालूंगा। ये सब कुछ भूल जा, ये सब कुछ भूल जा बेटे, नफरत नहीं प्यार करना सीख, बदला नहीं माफ करना सीख बेटे, माफ करना सीखेगा ना? चल बेटे सो जा, सो जा बेटे, बेटे सो जा। हो रहा है, लगता है जरूर को बुरा सपना देखा है। आ जी करवा नहीं, मैं भी चाली करा दू। सब कुछ परेशान नहीं हुआ करते बेटे, लो चाय पियो और देखो हमेशा हकीकत को समझने की कोशिश करो। हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हूं दादा, मुझे जो करना चाहिए वो तो मैं कर नहीं रहा हूं। क्या नहीं कर रहा है तू दादा? आज तक आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, पर अब आपको आराम की जरूरत है। मेरी पढ़ाई के खर्चे का बोझ लेकर आप दर बदर कब तक भटकते रहेंगे? गोपाल ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूं दादा, मैंने तय किया है कि मैं पढ़ाई छोड़कर आज से नौकरी ढूंढने के पीछे पड़ूंगा। तुझे हो क्या गया है गोपाल? मैं तो उस खड़ी का इंतजार कर रहा हूं जब साल दो साल बाद मेरा बेटा डॉक्टर बनकर आएगा और अपने दादा की नहीं आम जनता की सेवा करेगा, उनके दुख दर्द को अपनाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए दादा। मैं एक उपाय देख, मैंने लोगों से वादा किया है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनके ही रहेगा। गोपाल बेटे हाथ जब मंदिर सामने नजर आ रही है तो तू आधे रास्ते से वापस लौट जाना चाहता है? हाँ दादा, मैं आधे रास्ते से लौट जाना चाहता हूँ क्योंकि ताकि तुम चैन से जी सको। दादा मेरे डॉक्टर बनने से मुझे तुम्हारी जिंदगी ज्यादा प्यारी है, और फिर अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा गोपाल? क्या तूने कभी इन बस्ती के लोगों के बारे में सोचा है जो अपने भविष्य की सारी आशाएं तुझ पर लगा के बैठे? ठीक है दादा, लेकिन उनकी आशाएं पूरी करने में मैं तुम्हारी जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकता दादा, नहीं दे सकता। दादा गोपाल भैया ठीक कह रहे हैं, हमने आपकी सारी बातें सुन ली। बंसी चाचा आप ही दादा को समझाइए। और फिर हम किस दिन के लिए हैं? हम आपका हाथ नहीं बढ़ा सकते। और का तो करो श्री गणेश, ये लो 7 रुपया पढ़ो डाकदारी। नहीं मेरा मतलब पूरी बस्ती के लोग पैसे देंगे, ये लो 4 रुपए पैसे की काफी करे। अरे काय का चंदा जमा हो रहा है? संग संग गोपाल को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करनी है, हम सब पैसा दे रहे हैं। अस काय ए गोपाल भैया फटाफट डॉक्टरी पढ़ लो, अब उनके तो जगह जगह दर्द उठ रहा है, ये लो और अपन का इलाज कर दो, आज तो इतनी कमाई हुई। अरे लक्ष्मी ये सब दे देगी तो खाएगी क्या? अरे दादा खाने को मारो गोली, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अरे अपन पढ़ रही होती तो गली गली नाच कर अपन की हड्डी का को तोड़ती। हाँ लो गोपाल भैया पकड़ो। ला गोपाल भैया ला, ये लो भैया। गोपाल भैया मेरी तरफ से 4 रुपए। लो गोपाल भैया मेरी तरफ से 2 रुपए। नहीं नहीं देखिए आप ही पैसे अपने पास रखिए, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं डॉक्टर बन के रहूंगा।
क्या? सुनाई नहीं देता क्या? बहरा है क्या? और नहीं तो क्या? चलो माना कि मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन आप तो आंखें खोल के गाड़ी चलाया कीजिए। आप क्या समझ रहे हैं, मैं आंखें बंद करके गाड़ी चला रही थी। तो और क्या, कोल्लू के बैल की तरह ये आंखों पे चश्मा जो चढ़ा के रखा है, दिखाई क्या देगा खाक? दो कौड़ी का आदमी और इतनी लंबी जबान? लंबी जबान तो आप जैसी अमीर जादियों की होती है जो अपने माँ बाप के पैसों पर गुलछड़े उड़ाती हैं। मेहनत करने निकलोगी तो पता चलेगा दो कौड़ी क्या होती है। ओह, ये तो सोशलिज्म बगाड़ रहे हैं। पहले सड़क पे साइकिल चलाना सीखे, खुद तो पूरी सड़क पे साइकिल नचाते फिर रहे थे। भरतनाट्यम का स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? बेहतर ये होगा कि भरतनाट्यम आप सीखिए और ये गाड़ी किसी ड्राइवर को चलाने दीजिए। आप खाली हो तो आप ही आ जाइए, आपको ही रख लूंगी। क्यों, पहले ड्राइवर को क्या हुआ? जरूर कुएं में छलांग मार दी होगी उसने। ओ गॉड, राधा कितना बदतमीज आदमी है ये, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो। मीना, लगता है तेरी इन्फॉर्मेशन गलत निकली, उसका तो कहीं पता ही नहीं। अरे क्या बात करती है, अपना सीआईडी डिपार्टमेंट बिल्कुल पक्का है। हाँ, दिन में मेडिकल कॉलेज और रात में होटल की नौकरी, लगाती है 100-100 रुपए की बैट। सच? अरे बोले जल्दी बैठिए। माई डियर फ्रेंड्स, और से सुनिए, अब मजा चखाते आचार्य जी को। डन डन। जी बोलिए। इतनी भी तमीज नहीं, एक ग्लास पानी पेश करो। यस रोटा, ये चादर ठीक करो। एक ग्लास गर्म पानी, नहीं नहीं ठंडा पानी। देखिए अगर एक एक करके फरमाइश करेंगे तो बेहतर होगा। कहा ना यस रोटा, मेन्यू कार्ड हाथ में रखने के लिए है, कोई जरूरत नहीं है। नोट द ऑर्डर। बोलिए। फोर चिकन सूप, एक लिमका, चार कोक, एक कटलेट, एक तंदूरी चिकन, पहले कोक ले आना, एक एक्सप्लोरन चीन। Shall I repeat the order? नहीं, बोर करने की कोई जरूरत नहीं, जो बोला जल्दी लेकर आओ। अरे आप, ये कौन ले जाएगा? थैंक यू। इधर लाना, इधर सैंडविच आ देना जल्दी, इधर लाइए। ठंडी है, खूब ठंडा ही नहीं है। अरे भाई जल्दी कीजिए, बड़ी भूख लगी है। Is everything all right? क्या मक्खी? I'm sorry, मैं इसे बदल देता हूँ। इसे यही रखो और बताओ ये मक्खी इसमें आई कैसे? ये रेस्टोरेंट है या हत्या घर? मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर, मैनेजर साहब, आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट और सूप में मक्खी, हमें मारना है क्या? हमारी जान लेना है क्या? इसे यही रखिए और अभी फूड इंस्पेक्टर को बुलाइए। इस टेबल पे तुम सर करते हो क्या? जी। ये मक्खियाँ आई कैसे? पर इसमें मक्खी नहीं थी, इनकी कोई शरारत है। इतना बड़ा इल्जाम, शर्म नहीं आती तुमको? आपको पता है किसकी बेटी है ये? गुलशन सेठ की बेटी है ये। माफी मांगो, मैं कहता हूँ माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी? इसमें मक्खी नहीं थी। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान लड़ाते हो। गेट आउट, आई से गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, मैं जिसरा से भिजवाई देता हूँ। बेरा यार, इस गोपाल के बच्चे को फिर से मजा चखूंगी। ये आज अपने सामने आने तो दे, इसको ऐसा मजा चखाएंगे ना कि इसको पूरा घमंड जो है उतर जाएगा। आ गया अभी। एक्सक्यूज मी प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे से बात। मैंने कहा एक्सक्यूज मी प्लीज। जरूरत नहीं है बिल्कुल, कैसे हो तुम फरीदा, ऐसे बात करते रहेंगे अपन। इस लड़के के जो है ना बिल्कुल जरा भी जाने। देखिए मुझे जाने दीजिए, क्लास का वक्त हो रहा है। आप हमसे बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आपको स्टडीज में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे है। आप समझते क्या है अपने आपको? शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए? प्रिंसिपल से रिपोर्ट करते हैं, सीधा हो जाएगा। अरे हर जगह पहुंच जाता है परेशान करने के लिए। और नहीं तो क्या, कभी होटल, कभी सड़क, कभी कॉलेज। चलो चलो रिपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ जाइए, रिपोर्ट कीजिए, क्या बिगाड़ लेंगी मेरा। What's going on? ये सब क्या हो रहा है सर? ये हमेशा हमें छेड़ता रहता है सर। आई सी, क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल सर। तुम मेरे ऑफिस में हो? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। सर बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं। और जो मैंने देखा वो क्या था? मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो? सर मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, इस कॉलेज में पढ़ने आता हूँ।
मुझे डॉक्टरी पढ़ने के लिए कितना मुझे कुछ नहीं सुनना है। यू आर सस्पेंडेड फॉर 15 डेज और आइंदा ऐसी हरकत की तो अपनी स्कॉलरशिप खो बैठोगे। तुम जा सकते हो। अब तो आप बहुत खुश होंगी, मुझे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। धन्यवाद गोपाल। गोपाल मैं जरा काम से जा रहा हूं, दुकान संभाल लेना। जी। ओके। मुझे फिर नौकरी से निकलवाने आई हो क्या? मुझे माफ कर दो गोपाल, मुझसे जो ज्यादतियां हुई हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अमीरी और शर्मिंदगी छोड़ो गोपाल, मुझे इतना गलत मत समझो, जो हो चुका उसे भूल जाओ, जो मेरे दिल में है उसे समझने की कोशिश करो। क्यों, मेरा क्या लेना देना आपसे? यकीन रखिए मिस राधा, मेरे दिल में ना आपके लिए कुछ है और ना आपके खिलाफ। नफरत ना गुस्सा ना दोस्ती ना जज्बा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन तुम्हारे प्यार के काबिल बन सकूं। बेटी खुदा के लिए ऐसा मत कहो, बेटी ऐसा मत कहो। तो फिर क्या कहूँ, ना हंसता है ना बोलता है, हमेशा कड़वाहट से पेश आता है। देखो बेटा, इसमें गोपाल का कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। तुम शायद नहीं जानती हैं कि गोपाल एक ऐसे खानदान का लड़का है जो रुपए ही पैसे नौकर चाकरों से भरा हुआ रहता था। उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे कई बेसहारा लोगों को नई जिंदगी दी। लेकिन खुदा का कहर, एक दिन गोपाल के वालिद एक चल बसे और उसी दिन से इस घर की बर्बादी की कहानी शुरू हुई। ऐसी बर्बादी बेटी कि आदमी सिर्फ खून के आंसू ही रो सकता है। हालात बहुत बिगड़ गए थे, सीता को तन बदन से मेहनत मशक्कत का काम करना पड़ा। जिस लड़के की हथेलियों पर मेहंदी रची रहती थी वही फपोलों से भर गई। सीता ने अपनी बीमार माँ और छोटे भाइयों को इज्जत से पालने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर किस्मत की मार एक दिन गोपाल की बहन मासूम सीता को गुंडे उठाकर ले गए। उन्होंने गोपाल के भाई जगन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी उठाकर ले गए। बस इसी सदमे से गोपाल की मां भी चल बची। अब तुम्हें बताओ बेटी, जिस बच्चे ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो, इन खौफनाक हादसों से गुजरा हो, उसके दिलो दिमाग पर क्या बीती होगी? घबराओ नहीं बेटी, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। गोपाल को कहीं देखा? सर हम लोग भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। हमारा गोपाल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। चलो देखिए गोपाल आ गया। गोपाल आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सब लोगों ने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, आपका फर्ज है लोगों को जिंदगी देना, इसलिए प्रतिज्ञा कीजिए कि आप सबको जिंदगी देंगे। आप मुझे कंग्रेचुलेट नहीं करेंगे? कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप मेरे पीछे क्यों आ रही? आप मेरे आगे क्यों आ रहे? बड़ी अजीब लड़की हैं आप। बड़े अजीब लड़के हैं आप। कमाल है, जाइए आप आगे जाइए। आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं और आपके पीछे? और नहीं तो क्या। जरा होश की दवा कीजिए। सुनिए इतने नाराज क्यों होते हैं? एक बार अच्छी तरह से बात कर लीजिए ना।
एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार तू जो मुस्कुरा दे, एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार तू जो मुस्कुरा दे, सौ जन्म के प्यास तू मिटा दे। कब से कर रही हूँ इंतजार, इंतजार एक बार, सिर्फ एक बार, एक बार तुझे मुस्कुरा दे, तुझे मुस्कुरा दे, तुझे मुस्कुरा दे। खुशी से मैं तो मर ही जाऊं।
आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। मुझे तुझ पर नाज है बेटे। अरे दादा, हम भी तो खुश हैं। सारी बस्ती का नाम रोशन कर दिया गोपाल ने। और कहा, आज तक इस बस्ती में कोई लड़का डॉक्टर नहीं बना। अरे गोपाल भैया, इतने बड़े डॉक्टर बन गए, कहीं हमें तो नहीं भूल जाएंगे। कैसी बातें करते हो चाचा? आप लोगों ने तो मुझे डॉक्टर बनाया है, और अभी तो वक्त आया है कि मैं दादा और आप सबके लिए कुछ कर सकूं। मैं यहीं रहकर आप सबकी सेवा करूंगा। जयराम जी की। डॉक्टर साहब, जयराम जी की। कहिए क्या तकलीफ है? अजी तकलीफ मारे को ना होवे है जी, तकलीफ तो इनको होवे है। आइए बैठिए। क्या बात? अजी होने को क्या है, बस इनके पेट में गड़बड़ होया। गड़बड़? हाँ। अच्छा, रात ज्यादा खाना खा लिया था क्या? लाइए मैं देखता हूँ। हाथ नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब, दूर से देख के बताओ कि कहीं गड़बड़ है। देखिए, मैं बिना प्रॉपर एग्जामिनेशन के कुछ नहीं बता सकता। आप तो डॉक्टर हैं, ऐसे ही बता दो, बस हाथ नहीं लगाना। Oh my God. इन्हें मेरी जरूरत है, आइए मेरे साथ। जा जा राधा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। लिसन टू मी। गोपाल, गोपाल बेटे, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। हमारी जो जनता अस्पताल बनाने की योजना थी ना, हाँ? वो समझो पूरी हो ही गई। सरकार ने हमें जमीन मुफ्त दे दी है। सचता था? हाँ, क्यों बंसी बोलता कि नहीं? अब तो पूरी बस्ती इसके पीछे जुट गई। हाँ। मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बन गई। काई बोलो जी, डॉक्टर बाबू माँ बनने वाली है। मुबारक हो। जय राम जी सेठ जी। अरे दादा, अब उनको सब मालूम पड़ेगा है। या तो जनता अस्पताल बड़ी धूमधाम से खुलेगा, और जिस दिन खुलेगा उस दिन अपन तो बिंदास नचेगा। उसका नाम रहेगा। साथी बने का साथ अपने चलेगा जो।
मिट जाएंगी जिंदगी की बहारें, रह जाएंगी काम की यादगारें, मिट जाएंगी जिंदगी की बहारें, रह जाएंगी काम की यादगारें। कांटे हटाओ यहाँ गुल खिलाओ, माली बनेगा फूल कलियां खिलाएगा, जो रहे ना रहे वो होंठों पे उसका नाम रहेगा। साथी बनेगा साथ अपने चलेगा, जो रहे ना रहे वो होंठों पे उसका नाम रहेगा। साथी बनेगा साथ अपने चलेगा, जो जाओ, तुमको बुलाया किसने था? मंदिर में कोई किसी को नहीं बुलाता, जिसे आना होता खुद चला आता है और खुद ही लौट भी जाता है। मैं तो सिर्फ पूछने आई थी, चली तो जाऊंगी। अकेली कैसे जाओगी बेटी? गोपाल जा, छोड़ कर। क्यों, आज आपकी कार नहीं है? ओहो, कार चली गई है बाबा। दादा मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करिए। अरे कैसा लगता है, सुनते ही नहीं? चला, मैं छोड़ कर आता हूँ तुझे। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं? देख, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा, समझी? चल। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, चलिए। टैक्सी, टैक्सी नहीं चाहिए, जाओ। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, अगर तुम साथ देना नहीं चाहते तो मैं पैदल चली जाऊंगी, बाद में दादा से तुम निपट लेना। ओह, आइए, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम कम जिद्दी हो, इतना भी नहीं समझते कि जब कोई प्यार करता है तो क्या चाहता है। आपको मेरे साथ इस तरह? I'm sorry. गोपाल, क्यों तुम पत्थर बने हुए हो? तुम्हारे दिल प्यार के लिए नहीं तरसता? नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरी जिंदगी का एक मकसद है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हर हालत में अकेले। गोपाल, राधा, तुम्हारा और मेरा रास्ता बिल्कुल अलग है, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक मकसद है, मेरा भी एक मकसद है, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। चलो बैठो। नहीं आओगे? काफी देर हो चुकी है, मैं चलता हूँ। एक प्याली गरम चाय पी के जाना, इतना भीग चुके हो। नहीं, मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं जाने दूंगी, पहली बार घर आए हो ना, चलो अंदर, कम ऑन, चल। मेरे मेहमान हैं। हरे हरे, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। कितनी बार कह चुका, ऐसे वैसे आदमियों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, तो कैसे आने दिए ऐसे अंदर? किसने मेरा हुक्म न मानने की हिम्मत की है? कौन है वो? कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? तुम, मैं पूछता हूं कौन हो तुम? तुमने अंदर आने की हिम्मत कैसे की, कोशिश कैसे की? सर नहीं आती क्या? आज का आपने समय में चोरी का छोकरा तुम्हारी जेब में है, तुम खड़े हरे मुंह क्या देख रहे हो? मेरे को तुम्हारे से समझ सिखा दो। Thank you.
पूछता हूं, बैठ जाओ क्या? किसकी इजाजत से अंदर आए हो यहां? आउट, क्या चाहो? सारा दिन खाली खाकर सो रहते हो क्या? राधा बीबी ने, राधा बीबी का बच्चा, कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा से कोई मेरी इजाजत के बगैर यहां अंदर आया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। क्या हुआ डैडी? बेटा वो जो फजूल सा आदमी यहाँ आता है उसे तुम लाई थी क्या? हाँ क्यों, कहाँ गए वो? गया होगा अब अपने रास्ते। देखो बेटी, ऐसे लोगों को अपने आसपास कभी मत रखना। डैडी वो मेरे मेहमान थे, मेरे दोस्त हैं। शक्ल से तो वो बिल्कुल चोर उचक्का लगता था। मैं ऐसे लोगों से तुम्हारी दोस्ती भी पसंद नहीं करूंगा। डैडी बगैर जाने उनका अपमान करने का हक नहीं है आपको। इस घर में आपके भी ऐसे तमाम दोस्त आते हैं जिन्हें मैं नापसंद करती हूँ, मगर मैं कभी कुछ नहीं बोलती। मेरे पास कौन आता है कौन नहीं आता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। और मैं किससे दोस्ती करती हूँ, किसे बुलाती हूँ, किसे चाहती हूँ, इसमें आप दखल न दें तो बेहतर होगा। दादा मेरा मुंह मत खुलवाइए डैडी, मुझे सब मालूम है यहाँ क्या क्या होता है। बेहतर यही है कि आप अपनी जिंदगी जिए और मुझे अपनी तरह से जीने। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी, क्या बात है? रास्ते में पत्थर है बस। तो जाओ फिर, जाकर उन्हें हटाओ, जाओ। पहचाना नहीं मुझे, पता मेरा छोटा भाई और मेरी बहन सीता कहाँ है? कौन सीता बेटा, मैं किसी को नहीं जानता, छोड़ दे मुझे। भूल गए उस बस्ती को जहाँ से मेरी बहन सीता और छोटे भाई को गायब करके ले गए थे। मैं उनका भाई गोपाल हूँ, कमीने तेरी वजह से मेरी माँ की मौत भी हुई। बता वो लोग कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, बता वो लोग कहाँ है? सैन के उस कुत्ते को बता, बता नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ, हट जाओ। पहचाना नहीं मुझे, पता मेरा छोटा भाई और मेरी बहन सीता कहाँ है? भूल गए उस बस्ती को जहाँ से मेरी बहन सीता और छोटे भाई को गायब करके ले गए थे। मैं उनका भाई गोपाल हूँ। बड़ा जोर है। कनक इसे रंग में ले जा और तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने जरा से भी यहां से भागने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा छोटा भाई हमारे कब्जे में है। ड्राइवर गाड़ी रोको। कुंदन उस साइकिल वाले को इसी वक्त मेरे रास्ते से हटा दो, समझे? जाओ। ओके बॉस। ये लाल क्लब से बस इतने माल, बाकी माल का क्या हुआ? कुछ पुराना हिसाब किताब था। और राधा, राधा कितनी बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं? क्यों नहीं, आखिर मैं डॉक्टर हूँ। ओहो तो अस्पताल में जाने की क्या जरूरत है? जो भी काम करना है इज्जत से करो, अपने नर्सिंग होम खोलो। मुझे जो काम करना है मैं कर रही हूँ। मतलब? गोपाल की देखभाल करने जाती हूँ। गोपाल की देखभाल? क्यों, क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट, ऐसे जानवर लोग हैं कि उसको रास्ते में घायल छोड़ गए, अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। ओह बच तो गया ना? हाँ। चलो अच्छा हुआ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो गहरी है लेकिन अब कोई खतरा नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अच्छा बेटी तुम थक गई होगी, अब जाओ, जाओ जाकर आराम करो। गोपाल को जिंदा छोड़े? जी मैं छोड़ा, नमक हराम कहीं का, क्या नाम दबाओ जाओ यहां से।
नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जानते दादा, ये एक्सीडेंट नहीं, सीधे सीधे मुझे मार डालने की कोशिश थी। लेकिन अच्छा हुआ इस एक्सीडेंट ने मुझे मेरी मंजिल के बहुत नजदीक पहुंचा दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बेटे, तुम ये कैसे यकीन से कह सकते हो कि ये वही आदमी है? मैं उस आदमी को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता दादा, मैं कैसे भूल सकता हूँ दादा कि ये वही आदमी है जिसने माँ को मौत के मुंह में ढकेल दिया, जो मेरी दीदी और मेरे छोटे भाई को जबरदस्ती उठा कर ले गया और उनका पता आज तक नहीं चला। नहीं दादा नहीं, मैं उस आदमी को 7 जन्मों तक भूल नहीं सकता, उसकी सूरत उसकी आवाज अब भी मेरे सामने है, हूबहू दादा, मैं बदला लेके रहूंगा। गोपाल, आई सी, नथिंग टू वरी डॉक्टर गोपाल, नर्स बैंडेज। डॉक्टर राधा, फ्रैंकली मैं इस कोशिश में था कि ऑपरेशन टाल दे, बट देर इज नो अदर, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऑप्टिकल नर्व का तो डैमेज? नो नो नो, नथिंग लाइक दैट, देर इज स्लाइट हैमरेज, बट आई एम श्योर कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? ओह यस, दैट श्योर, गोपाल की आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी। कम, मैंने तुम्हें बेकारी से राजा बना दिया, अपने धंधे में से आधा हिस्सा दिया, यहां तक कि रंग महल भी तुम्हारे सुपुर्द कर दिया, तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ले लूंगा, अपनी दुनिया का यही दस्तूर है सेठ, जहां कोई किसी को कुछ नहीं देता, हर कोई एक दूसरे से छीनता है, और फिर जब तुम पैदा हुए थे तो तुम राजा नहीं थे गुलशन सेठ। पटेल, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं सेठ, मैं पक्की बात कर रहा हूं, मेरे इलाके में तुम्हारे किसी भी आदमी ने कदम रखा तो खून खराबा हो जाएगा। तुम्हारी ये जुर्रत, गुस्सा मत करो सेठ जी, भाईजान जो कहते हैं उसे समझो और उस पर अमल करो। हाँ, एक बार फिर से सुन लो, मेरे इलाके में तुम्हारे किसी भी आदमी ने कदम रखा तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ कर हड्डियां यहां भिजवा दूंगा। चलो बन्ने। सब अड्डों पर फौरन खबर कर दो, सबको फौरन इधर बुलाओ, मैं इस हरामजादे पटेल का हमेशा के लिए खात्मा कर देना चाहता हूं। बहुत पार निकल गए तुम्हारे, उसी यतीम खाने से आ रहे हो क्या? डैडी आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं ये सब सुनने की आदी नहीं हूँ। क्या आदी नहीं? कान खोल कर सुन लो, आइंदा से तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। जब तक गोपाल की आंखें ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं जरूर जाऊंगी। उस संदेह के लिए तुम पागल हो गई हो। उन्हें अंधा मत कहिए, भगवान ने चाहा तो उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। देखो बेटी, मैं तुमसे गुस्सा होता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, इसलिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और फिर सर सोचो, गोपाल से हमारी क्या बराबरी है? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। आपको मालूम है कि मैं गोपाल के अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती। देखो राधा, कभी कभी जिंदगी के रास्ते ऐसे यकाजक बदल जाते हैं, हो सकता है तुम्हारा फैसला भी वही हो जो मैं चाहता हूँ। क्या रखा है इस तमाशे में? प्लीज, मेरी खातिर जो तमाशा ही सही। और हाँ देखो, लड़के को मैं अगले संडे घर पर पार्टी में बुला रहा हूँ, तुम कहीं जाना नहीं है? मैं वादा नहीं कर सकती, पता नहीं गोपाल को मेरी जरूरत कब आ जाए। गोपाल गोपाल गोपाल, चारों तरफ से पिछता चला जा रहा है ये दुश्मनों का जाल, इस जाल को काटना होगा रंगी, चाहे वो पटेल हो या गोपाल। गोपाल तो अंधा है सेठ, अंधे और मुर्दे में फर्क ही क्या है? सुन नहीं तुमने, अगर उसकी आंखों की रोशनी लौट आई तो वो मेरे जी का जंजाल बन जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी का मतलब है मेरी तबाही, मेरे घर की बर्बादी। इस गोपाल के रोड़े को रास्ते से हटाना ही होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता राधा भी अपने रास्ते पर आ जाएगी, और ये काम तुम्हें करना होगा रंगी, जल्दी से जल्दी।
कौन कौन है? बोलते क्यों नहीं कौन है? मैं पूछता हूं बोलते क्यों नहीं कौन है? देख नहीं सकता हूं लेकिन सब सुन सकता हूं। आओ 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 ना। वही थे दादा, वही लोग थे। गणपत हरिया देखो पीछा करो उनका। आ बेटे, चोट तो नहीं लगी बेटा। ये बहुत बुरा हुआ दादा। डॉक्टर दादा पर्दा खोल दीजिए। आप लोग जरा प्लीज बाहर चाहिए। डॉक्टर गोपाल आहिस्ता से आंखें खोल दीजिए। डॉक्टर आंखें तो खुली हैं पर रोशनी कहाँ है? क्या डॉक्टर साहब? क्या कह रहे हैं डॉक्टर गोपाल? जस्ट सी ना, देखिए। यस डोंट वरी, डोंट वरी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ट्राई कीजिए, डोंट वरी, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता अभी। डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता प्लीज। डॉक्टर अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तुमने तो कहा था कि मैं ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, क्या कर दिया तुमने? मुझे अंधा कर दिया तुमने डॉक्टर, मुझे अंधा कर दिया है तुमने। चले जाओ यहां से। मैं अंधा हो गया हूं, मैं अंधा हो गया हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं। कॉलिंग ऑल पेट्रोल कार्स, कॉलिंग ऑल पेट्रोल कार्स, सिटी के सारे हाईवेज कवर कर लो। मुजरिम का नाम जगन है, उसका हुलिया काला रंग, 6 फुट का कद, काले चमड़े का जैकेट, नीली पतलून और काला चश्मा पहने हुए है। मुजरिम बहुत ही खतरनाक है, 5 स्टेटों में उस पर खून के इल्जाम का वारंट जारी किया है, दिखते ही फौरन गिरफ्तार कर लो। ओवर। चलो अभी यहां से निकला है। जी हाँ, ओवर। ओके चलो।
में मुर्गी का कौवे के चौच मां मुर्गी ना ही ना ऐसा कैसे होला कौवे के चौच में मुर्गी। अरे तुम्हार तबियत तो ठीक हो ना और अंदर कैसा है ए बबुआ। अरे गुसल खाना का दरवाजा खुलेगा हम अंदर आ गई कहा समझे ऐसा ऐसा। अरे बप्पा रे पिस्तौल और वो भी दो दो। नहीं नहीं माफ करा भाई माफ करा। कौन हो तुम अभी बताओ। जी हाँ जगन बहुत ही कमीना कातिल है। दिल्ली कलकत्ता मद्रास हैदराबाद चारों स्टेट में इसकी तलाश जारी है। जिंदा या मुर्दा इसकी गिरफ्तारी के लिए पूरे 50,000 रुपए का इनाम ऐलान किया है। अरे चालू रखा एक लाख दूध। अरे दूध तो बच्चे लोग पीते हैं मरे लोग गरमा गरम सोमराज। अरे इमा बरकत होत का। अरे बरकत ही बरकत है इसमें। काहे मारत हो जेल में माल है नहीं पीते ही जाता हूँ पीते जाए इका एक बोतल दे दे। अरे हाँ कह दे जा कह दे ना हाँ पिया पचराब लगा बोल अच्छा बस मास्टर। क्या मास्टर अरे बस क्या इतने एक और लगाओ ना। अरे 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 बापरे बापरे अरे 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 मास्टर अरे वाह। पट्टा जिसने मेरे आदि बहादुर उठाया है कौन है वो कौन है। अरे काहे चिल्ला दो हम आए। अरे खूब निशाना बा कौन बात है वो तलिया तो खाली रहे। अरे एक बोतल और दे। कमाल हो पियो ना है तो अरे वाह मास्टर क्या शॉट मारा। चला एक बोतल और दे। दे मास्टर शाबाश 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 बहुत खूब बहुत खूब बहुत अच्छे तुम ही हो ना जगन। एक बखत मा एक काम बाबू तुहार नंबर भी आई। हाँ अब बतावा बाबू हाँ तू कौन है खेत का मूली हो। मैं इस जगह का सिर्फ मालिक ही नहीं हूँ जगन बल्कि इस वक्त तुम्हारा रखवाला भी हूँ। हमारा रखवाला यो हमारा रखवाला बाबू। मैं अच्छी तरह जानता हूं जगन पुलिस तुम्हारे पीछे है तुम्हारी जान की प्यासी है। ये मत भूलो कि सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। देखो तुम इस धंधे में अभी नए। अच्छा बाबू कल हम दिखा दें कि हम कितना पुराना है। Thank you.
क्या बाबू? हाँ अब तो यकीन आएगा वाह कि हम पुरान खिलाड़ी हैं। नहीं तो फिर आवा आवा दो चार हाथ और दिखाई दे। आवा अरे अभी अंत तक चालू हो। साबा साबा दोनों लग जाओ। तो और कोई है का? अरे हंसा हंसा सब जना हंसा। हाँ अरे का भयल अरे हंसा। बस बाबू हाँ ई साला चक्कू मुड़ सही घबराई गयो। अब बतावा मदद का जरूरत तो है हो या हमें? वाह वाह जगन जवाब नहीं तुम्हारा। हमें तुम्हारे जैसे बहादुर की जरूरत है। जगन किसी की चाकरी नहीं कर सकत बाबू। अरे चाकरी नहीं भैया दोस्ती। मेरी बात मानो जब तक पुलिस का खतरा नहीं टल जाता तुम हमारे मेहमान बन के रहो। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहाँ तुम्हें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं होगा। बड़े चैन से रह सकोगे। आओ आओ मेरे साथ चलो। चलो चलो आओ चलो। देखो जगन मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये सब तुम्हारे ऐशो आराम का इंतजाम है। अब दो बाबू हम तो रमता जोगी बहता पानी है। हमार का जिसने इज्जत से हाथ बढ़ाया हम उसी के हैं। जब तक मन होएगा रहेंगे ना ही तो चल देंगे। जगन मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ये देखो यह है इस कमरे का रिमोट कंट्रोल। का इसे यहां घुमा तो पर्दा वहां खुलता है। इसे यहां घुमाओ तो दरवाजा वहां खुलता है। एक दो तीन। कैसा ख्याल है जगन? क्यों अच्छा लगा? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है जगन। सब कुछ तुम्हारे लिए और मेरा दोस्त बनकर तुम जो भी। जगन जगन जगन। अरे मास्टर तुमने तो कमाल कर दिया। आ, 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 अरे अपन तो फिदा हो गए। अपने को चेला बना दो ना। कहा अच्छा चल ठीक है लेकिन पहले अपन गुरु की सेवा करेंगे पड़ी। सेवा? अरे ये सेवा नहीं। अरे हम का मौज मस्ती कराओ नहीं समझे? अरे तू हम का खुश करो हम तुमको सब सिखाई दे। अरे मास्टर ऐसी मौज मस्ती कराऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी। तरक्ती धीम तरक्ती धीम। Ah!
मजा आ गया। अरे वाह क्या बात है। अरे वाह क्या नाच है। क्या बात है, मजा आ गया, बिल्कुल ही मजा आ गया। क्या सुरीली आवाज है, बिल्कुल कोयल जैसी कोयल। अजी ठाकुर साहब, इनको जाने दीजिए ना। क्यों रे सारे पैसे की पुत्री, जाने से एक कोयल कोयल जानती है, मैं सारी रात पैसा लुटाने वाला आदमी हूँ, समझी? ठाकुर साहब, ए अम्मा तू क्यों हाथ लगा दिया? इसे बच दो, और भी तो सारी लड़कियां हैं। चुप रे, ये माल मिल गया है फिर मुंह का देख दिया। चल चल ना जल्दी से कमरे में जा। ए रसिया बाबू, ए तुम कुछ बोला है? नहीं सेठ, इधर क्यों रखे चले? इका छोड़ दे वहाँ। अरे वाह, तू कौन है, इधर क्यों आया? चल फुट चलो यहाँ से, दफा हो जाओ सरव, वरना तो हार नटाई मरोड़ कर तोरे हाथ में दे दे। रे तू मेरा गर्दन मरोड़ के हाथ में दे देगा? जानता है मैं कौन हूँ? अरे मैं नेफ्यू नेफ्यू अब राय बहादुर किशन चंद्र चटवाला है। वो आदमी बहुत मारता है, बहुत मारता है। ए नटाई मोरड्डे वाले, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, हमारे गिराए की बेइज्जती करते हो। कौन होते हो तुम बीच में बोलने वाले? ये तुम्हारी बहन लगती है, निकल जाओ यहाँ से। अरे सुना सुना, चलो कमरा चलो। से तरीके से जात है या नहीं जाता, बोल क्या करेगा। जा तुम सब भी जा। अरे क्या ए, मिस्टर तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मत भूलो कि ये रंग मेले पटेल साहब का, ज्यादा पिट पिट की टांगे तुड़वा के बाहर फिकवा दूंगी। अरे सुनाओ, हम जात है अंदर, जो मन में आवे कर लो, समझे? नहीं समझे। बदतमीज गुंडा पापी कहीं का, अभी तुझे मैं दोष दिखाती हूँ। पीटर मस्तान कहाँ मर गए? नाम है तुम्हारा? रंग महल की औरतों का कोई नाम नहीं होता। अरे आखिर औरत हो, कौनो नाम तो जरूर होई, हाँ? जिस औरत का घर नहीं होता उसका नाम भी नहीं होता बाबूजी। अच्छा अच्छा, तने ये तो बतावा, ये धंधा में बहुत मजा होई हो ना? ये सब क्यों पूछ रहे हो? जिस काम के लिए आए हो उसकी बात कीजिए। ई पेशा में तू अपने मर्जी से आयल हो का? जो आता है यही पूछता है, रात गुजार के चला जाता है। छोड़िए इन बेकार बातों को। आप बहुत खूब बहुत खूब। अरे ये कौन तरीका है? एक तरफ तो सती सावित्री बन जालू और दूसरी तरफ पेशा भी कर, ये बात का है? आप नहीं समझेंगे, एक बार यहाँ आए तो यहाँ से छुटकारा मिल सकता है कभी। का कहत हो? अरे तुहार मर्जी ना ही तो के कौन रोक सकत है? हा? मर्जी का सवाल कहाँ है बाबूजी, पर औरत की क्या क्या मजबूरियां होती है ये वही जानती है। ऐसन कौन मजबूरी हो? जाने दीजिए बाबू। नहीं बताओ हो, आखिर बरसन से तो हैया रात हो, जान बचाई के भाग कहीं नहीं गई लो? सिर्फ अपनी जान का सवाल नहीं है बाबूजी, इस रंग महल के मालिक ने कहा है अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई की जान की खैर नहीं है। भाई? हाँ, मुझे अपने भाई के साथ यहाँ जबरदस्ती ले आए ये लोग, हमेशा से उसे मार डालने की धमकी देते हैं, इसीलिए मेरे पैर यहाँ बंधे रह जाते हैं। अरे हम देखब कौन मारल तोहरे भाई के, अब कौन रोकत है तोहे। आ हमरे साथ। नहीं बाबूजी नहीं। अरे हम देखब सारन। नहीं बाबूजी, तुम मुसीबत में आ जाओगे, मेरे भाग्य में यही लिखा। मच्छर मच्छर जल्दी चलो, मच्छर मच्छर जल्दी बाहर निकलो, ये लोग और गुंडे लेकर आ रहे। मच्छर
जल्दी चलो मास्टर, अरे घूमो। तू जल्दी से अपन सामान ले लो। जो दादा बन के आया था ना, अब तक तो उसको मार मार के बुर्ता बना दिया होगा। बुर्ता तुमको मेरे को नहीं चाहिए, जब तक उसके एक एक बोटी जेब में नहीं डालूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे हमारे बोटी बनाओ वाले के 32 ही दांत चाहिए, 30 से काम ना ही चली। ए भावा, 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 क्या कर रहे हो भाई? हाँ बोला, अब तो हार भुरता बनाई दें। चला तुम सब आवा, सब बाहर आवा। बाप रे, भूत मारेगा। चला लाइन में लग जा। लाइन लाइन लाइन, जल्दी जल्दी जल्दी। हुजूर हुजूर, इधर इधर देखिए, ले जाइए ले जाइए, ये तो सबसे अच्छा। चुप, सुनो, आज से तुम सब आजाद हो, ये नरक से फौरन निकल जाओ। अरे इनसे घबराओ मत, हम आए ना, हम आए। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे ये सब चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? अरे तुम तो हमारे साथ रहोगे, है ना? अरे मास्टर, इनको चोट लगी है, क्या करूं इनका? आई का ले जाओ, मरम पट्टी करवाई के छोड़ दियो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आइए। हाँ तो अब हम तो हार हिसाब चुकाई दे, चलाओ। डॉक्टर साहब हाँ है, आइए। कौन आया? डॉक्टर, पेशेंट आए हैं। ओ क्या हुआ? डॉक्टर, ये औरत को चोट लगी है, जरा ओ ओ नर्स जरा देखो तो। यस डॉक्टर। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? फिर मुझे क्या मालूम आप कहाँ जाएंगी? क्या हुआ? मेरा कोई नहीं है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, कहाँ जाऊंगी? ओ अच्छा ठीक है, आप रात भर यहीं रुक जाइए, सुबह दादा से पूछ लेंगे, अगर वो हाँ कहें तो ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। मेंशन नॉट। नर्स जी, इनकी पट्टी कर दो और इनके रहने का बंदोबस्त भी कर देना। जी हाँ, आओ। मैं पटेल बोल रहा हूँ। पटेल, अरे ये भी वक्त था फोन करने का, बोलो क्या बात है? तुम्हारे आदमियों ने आज फिर मेरे इलाके में धमाका किया है, उन्होंने रंग महल को तबाह किया है। अगर मैंने रंग महल को बर्बाद करवाना होता तो मैं देता ही क्यों? बदतर आदमी तुम्हारे थे, कल तक उन आदमियों को मेरे हवाले नहीं किया तो तैयार रहना गुलशन सेठ, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे पटेल पटेल, मैं कैसे? पटेल नहीं, सीता बेटी, दादा, सीता, दादा, 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 कल रात को तू ही आई थी ना? अरे ये छोटे कैसे लग गई?
चोटें तो बहुत लगी है दादा, कहां तक बताऊंगी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तू मिल गई, पर जगन कहां है? न जगन का कुछ पता है न गोपाल का। जगन के बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि वो जिंदा है, उसी की जिंदगी का वास्ता दे देकर वो हैवान मुझे डराते रहे और गंदी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते रहे। ये क्या कह रही हो बेटी? बहुत कुछ सहा है दादा, बहुत कुछ सहा है। माँ की मौत, मेरी बर्बादी, जगन और गोपाल से जुदाई। कल रात तू गोपाल से नहीं मिली? आज सुबह उसी ने तो मुझे बताया कि एक बेसहारा लड़की है, उसे यहाँ रख लूं। गोपाल ने बताया? हाँ, तूने उसे नहीं पहचाना। अरे कल रात जिस डॉक्टर ने तुझे देखा था वही तो हमारा गोपाल है। वो डॉक्टर वही मेरा भैया। ये आंखें इतना धोखा खा गई। पता है गोपाल अब बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया है। हाँ, ये अस्पताल वही तो चलाता है। तू जब खो गई थी ना तो मैं उसे अपने साथ ले आया था। कौन सा कमरा है उसका, मुझे बताओ ना दादा, चलो ना जल्दी। चलते हैं चलते हैं, आओ आओ मेरे साथ। क्या बात है, रुक क्यों गई? आना। रहने दो दादा, ये शरीर अब बहुत गंदा हो चुका है। बहन बनकर अपने गोपाल से मिल सकूं, ये हिम्मत नहीं होती, ये हिम्मत नहीं होती। क्या कह रही हो तुम, ये सब बेकार की बातें, आओ चलो मेरे साथ। नहीं दादा, कल को यहाँ के लोग जानेंगे कि गोपाल एक वेश्या का भाई है, तो लोगों की नजरों में गोपाल के लिए क्या इज्जत रह जाएगी। रहने दो दादा, मेरा उसे न मिलना ही ठीक है। ये कैसे हो सकता है सीता, गोपाल ने 20 साल तुम्हारा इंतजार किया है, दिन रात तुम्हें खोजने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया, और तुम हो के... नहीं दादा, मेरा यहाँ से चला जाना ही अच्छा होगा। नहीं बेटी नहीं, देखो बेटी, गोपाल जान लेगा तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये मन भी काम मानता है दादा, गोपाल से मिले बिना जा भी नहीं सकती और एक बहन की तरह मिल भी नहीं सकती। ऐसा मत सोचो बेटी, ऐसा मत सोचो, भाई के लिए एक बहन हमेशा बहन ही रहती है। और लोगों के लिए एक वेश्या हमेशा वेश्या। ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो, अपने भाई पे तरस खाओ, वो पहले ही बहुत दुखी है। दुखी है? तुम नहीं जानती, गोपाल एक हादसे में अपनी आंखें खो बैठा। दादा। हाँ बेटी, उसने आंखें खोई मगर ये उम्मीद कभी नहीं खोई कि एक ना एक दिन वो तुमसे जरूर मिलेगा। तो एक वादा करो दादा, गोपाल से नहीं कहोगे कि मैं सीता हूँ? नहीं, 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 मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। तुम झूठ नहीं बोल सकते, मैं सच नहीं बोल सकती, यही तो मुश्किल है। दुनिया के सामने मैं बेइज्जत हो चुकी हूँ, कम से कम भाई के सामने मेरी इज्जत रख लो दादा, इज्जत रख लो दादा। मैं नहीं बताऊंगा दादा। मैं यहाँ हूँ बेटे। दादा, उस बेसहारा लड़की को आपने रहने की इजाजत दे दी ना? हाँ हाँ, वो यहीं रहेगी, और रहेगी नहीं बल्कि नर्स का काम भी करेगी। आपने बहुत अच्छा किया दादा। सेठ, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, पटेल का आदमी कह रहा है। गुलशन सेठ, मैं बनने बोल रहा हूँ, जब तक रंग महल बर्बाद करने वाले दोनों बदमाशों को तुम मेरे हवाले नहीं कर देते, तब तक हर रोज इसी तरह तुम्हें दो लाशें मिलेंगी, और मत भूलो आखिर में तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम्हारी ये जरूरत क्या हुआ सेठ? पटेल हमारे आदमियों को खत्म करता जा रहा है। रंगी जाओ, जल्दी से कहीं से भी जगन को ढूंढ कर फौरन यहाँ लाओ। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। दवाई लगाने के बाद फिर कॉटन लगाना, कॉटन लगाने के बाद ये लगाना। नर्स, रामकली की तबीयत कैसी है? डिलीवरी के टाइम का कुछ अंदाजा हुआ? लगता है कल तक हो जाएगी। अच्छा। बेचारी बेसहारा है, इतना दुख सहा है जिंदगी में कि अब दूसरों का दुख नहीं देखा जाता।
दुखी लोगों की सेवा करने के लिए नर्स का काम सीख रही है। अब यही रहेगी अपने साथ। ये तो बहुत अच्छा है, मैं 2 दिन में सिखा दूंगी। क्या नाम है तुम्हारा? जी ललिता। नाइस नेम। मैं राउंड लेके आती हूँ, प्रिस्क्रिप्शन तैयार रखना। कुछ पता चला जगन का? रंगी लौट के आया कि नहीं? नो सर। जाओ राधा को बुलाओ। ओके सर। क्या बात है गुलशन सेठ, बहुत परेशान हो बाबू? अरे भाई जगन कहाँ थे तुम? हम तो हार नौकर नहीं बाबू, हम तो आजाद परिंदा हैं, जहाँ मन करत वहाँ जात। तू आपन काम बताओ। बहुत ही टेढ़ा काम है जगन, बहुत ही टेढ़ा काम है। लेकिन ई हमार चाकू बिल्कुल सीधा है। कौनू टेढ़ा काम हो एक गुलशन बाबू, ई अपन काम एकदम सीधा करत। सुनो, वो पटेल के बच्चे ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। रंग महल वाले पटेल बाबू? हाँ। अरे हुकुम दो सरकार, कहो तो पटेल को लहंगा पनवाए के ले आए तो हर पार्टी में नचवा दे। शाबाश जगन शाबाश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस उसे मेरे रास्ते से हटा, उसका सफाया कर दो। ये बात है, काम हो जाए सेठ। डैडी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि देखो भूल मत जाना, कल शाम को पार्टी है, कहीं चली मत जाना। जी अच्छा। जब ए बबली, तुम्हार नाम? राधा। तू राधा तो हम किशन हाय। किशन का नैया देख, हम मुरली भी बजावत है। जगन होश में आ, ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी है? अरे ये तो खूबसूरती है, खूबसूरती। ये ऐसा ही है बेटी, तुम जाओ जाओ। देखो जगन, मैं तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, जानते हो ये मेरी बेटी है। तो हम भी किसी का बेटा है गुलशन सेठ, लेकिन राम कसम तुहार बबली बहुत खूबसूरत है। जगत होश में आओ, जो काम तुम्हें सौंपा गया उसे पूरा करो। पटेल का पता मालूम है? पटेल का तो अब नवा पता नोट करो गुलशन सेठ, नवा पता। शाबाश जगन शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब हमका मेहनताना तय कर दो। 20,000, 20,000 रुपया दूंगा। रुपया? थू 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 थू, रुपया से हम का करेंगे गुलशन सेठ? एक मुर्दा के बदले में हमका एक जिंदा चीज दे दो। हाँ एक जिंदा चीज तो क्या, 10 जिंदा चीजें दूंगा। चाहो तो सारा रंग महल ले लो। अरे बाबू, अब रंग महल में रंग कहां रहा, अब तो हम अपन रंग महल बनाएंगे। सेठ उस कमीने जगन का कोई पता नहीं लगा। हम जात है बाप। हाँ जाओ जाओ। यस जी, मैं पुलिस की मदद करना चाहता हूँ। बोलिए। देखिए अभी अभी एक घंटे के अंदर अंदर बांद्रा बैंड स्टैंड के पटेल का कत्ल होने वाला है। मर्डर पटेल का? हेलो 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 हेलो, हवलदार जीप फौरन निकालो। बापली बहुत खूबसूरत है कमीना। हुआ उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने आपको सलाम बुलाया। चल जल्दी करो, राधा तुम्हारी इंतजार कर रही है, जल्दी करो। शाबाश शाबाश शाबाश। मनवे माउत, दूसरा नाव जगन। लेकिन तुम अंदर कैसे आए? माउत के कौनू दरवाजा ना ही रोक सकत पटेल बाबू। मुझे क्यों मारना चाहते हो? ये कुल सनसेट सब पूछे। तुम मुझे मर्द की मौत मरने दोगे? ओ लड़ना चाहते हो? जरूर।
अरे ये हो तो हार पिस्तौल का गोली। उठा पटेल बाबू, देखिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहले ही आपको बताया, जिन्होंने मुझे फोन किया उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, और फिर ये पटेल साहब की जिंदगी का सवाल है, उसकी चिंता आपसे ज्यादा मुझे है। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पार्टी में आकर मेरी बहुत इज्जत की है। थैंक यू वेरी मच। ओह थैंक यू सो मच। अरे आप कुछ पी नहीं रहे हैं? मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आया। लुक आई एम वेरी कंफर्टेबल। कितनी देर लगा दी, कमाल है अभिषेक ने नखरे। आई एम सॉरी, बड़ी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। चलो चलो तुम। एक बात समझ लो, अगर आपने मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और पटेल साहब को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आप इंस्पेक्टर साहब कोई गड़बड़ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यस सर, एक सेकंड। आई सी। क्या हुआ कमिश्नर साहब को? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। यूजुअल रूटीन, कैरी ऑन विद द पार्टी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी पार्टी में आकर जो मुझे इज्जत दी है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। दरअसल बात यह है कि यह पार्टी आप सब मेहमानों के दरमियान मैं अपनी बेटी राधा की वन मिनट फ्रेंड्स, मुझे जरा एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। मेरा सबको ड्रिंक्स दो, प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्फ, इसे अपने घर समझिए। एक्सक्यूज मी। काम खत्म करे के बाद और कहाँ जाए? काम खत्म हो गया, गुड वेरी गुड। अरे गुड़ और शक्कर छोड़ा बाबू, जल्दी से करो इंतजाम करा, पुलिस हमारे पीछे है। पुलिस? करो सर, पुलिस को खबर कर दिए हमारे साथ धोखा किए। जल्दी करा बाबू, हमें कहीं छुपावा। लेकिन लेकिन मैं तुम्हें कहाँ छुपा सकता हूँ? कहा कहियो? अरे तुम्हारे कहने पे हम कत्ल किए और अब इनकसा मार के यहीं से फेंक दियो। हाँ ये तो छोड़ो, ये तो छोड़ो, कुछ करते तुम इधर चलो, कुछ कर दो तुम। क्या क्या कर रहे हो? गुलशन सेठ, माय फादर इन लॉ, आई एम एनके विलायती, आई हैव कम फ्रॉम लंदन, आई एम योर फियांसे, आई मीन आई एम योर डॉटर्स फियांसे। गुलशन बाबू तुम जावा, हमारे छुपाई का इंतजाम हम खुद कर लेते। अच्छा ठीक है, इका यही छोड़ जावा। लेकिन अभी नहीं से बात करके वापस भेजी थी, तुम फिक्र ना करा जावा। ओके। तो बाबू लंदन में क्या करत हो? आई थिंक यू मस्ट बी ए बुचर। क्या काटा, मुर्गी? नहीं मुर्गा। अरे अरे तुम्हार कोट पे का है? अरे इतना बड़ा धब्बा है। चलो उतारो। डर्ट? यू मीन डर्ट? अरे कमीजवा पे भी है। हाँ। जल्दी उतारा नहीं तो पार्टी में बेइज्जती हो जाए। लंदन से आए कोई मजाक है? बट व्हाट विल आई वेयर इन द पार्टी? यू नो आई एम द फियांसी एंड इट इज माय फर्स्ट डे। मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी काम आ गया था जिसके लिए मुझे जाना पड़ा। दरअसल ये पार्टी, इस पार्टी में का सवाल हो जाता है। मैं अपने तमाम दोस्तों, तमाम मेहमानों को अपनी बेटी राधा राधा की सगाई की खुशखबरी देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम द फियांसे। यस यस दोस्तों, गिव मी अ हैंड दोस्तों।
कितना खूबसूरत नौजवान लड़का मिला है राधा को, और वो भी लंदन वाला। मेरे कपड़े, अरे वो कहाँ ले गया कपड़े? वो ब्रश 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 ओह यू मीन ब्रश ब्रश ब्रश। आप तो कुछ बोलते नहीं, क्या बात है? लगता है साहबजादे हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते, हो सकता है इतने दिन लंदन में रहने के बाद हिंदुस्तानी भाषा बिल्कुल ही भूल गए। व्हाट नॉनसेंस, कैसी बात करते हैं, हम हिंदुस्तानी भूल सकते हैं? नेवर नेवर। जो आदमी अपने देश की भाषा भूल सकता है वो 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 होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बोलना तो छोड़ो, हम हिंदुस्तानी कविता लिख सकते हैं, आई मीन पोएट्री राइट, हम हिंदुस्तानी गाना गा सकते हैं, आई मीन सॉन्ग सिंग। चश्मा है, चश्मा ओ ब्रश ब्रश। बाहर जाके मैंने फैशन देखे ऐसे ऐसे, कैसे कैसे? अरे बालों का कट भी एक जैसा और कपड़े भी एक जैसे। अरे लड़का है या लड़की है कोई पहचाने कैसे। अरे पगड़ी बांध के मैं गया था के पगड़ी बांध के मैं गया था, चुनरी ओढ़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया। लंदन जाके बबली पैसा बहुत कमाया, मैंने लंदन जाके बबली पैसा बहुत कमाया, मोटर ले ली शोफर रखा बंगला नया बनाया। खाली बंगले में रहने से लेकिन मजा न आया, खाली बंगले में रहने से लेकिन मजा न आया। तेरी याद जो आई तो मैं, तेरी याद जो आई तो, तेरी याद जो आई तो मैं वापस दौड़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया। गोरी में मैं लिपस्टिक पाउडर ना काजल ना बिंदिया, गोरी में मैं लिपस्टिक पाउडर ना काजल ना बिंदिया, ये रंग रूप कहाँ जो लूटे एक नजर में निंदिया। मेड इन फॉरेन से अच्छा है कुछ भी मेड इन इंडिया, मेड इन फॉरेन से अच्छा है कुछ भी मेड इन इंडिया। मेरे पास थी जितनी चीजें, मेरे पास थी जितनी चीजें, मेरे पास थी जितनी चीजें सारी तोड़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया
आ गया, मैं लंदन छोड़ के आ गया। बबली तुम भी गाओ। ला 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 ला। अरे आप लोग भी गाओ ना भाई। मुश्किल से रहता है साथ वहां पर कोई जोड़ा, हर मुश्किल से रहता है साथ वहां पर कोई जोड़ा। सबका है दस्तूर के इसको पकड़ा उसको छोड़ा। लंदन की एक मैडम ने जब, लंदन की एक मैडम ने जब मेरे दिल को तोड़ा। तेरे प्यार से टूटे दिल के, तेरे प्यार से टूटे दिल के टुकड़े जोड़ के आ गया, मैं लंदन छोड़ के आ गया। आ गया मैं लंदन छोड़ के आ गया, आ गया मैं लंदन छोड़ के आ। Excuse me, I have come from London. मैं लंदन से आया हूँ। My God. What I mean to say, I mean देखिए ना। ये आदमी हैं। Hello, मैं लंदन से आया हूँ। Show what? कौन सा तीर मारा है आपने? लंदन और भिंडी बाजार में फर्क ही क्या है? ऐसे तो रोज आते हैं और रोज जाते हैं। Excuse me, आप जरा। I'll be my refreshment servant. Hello. How do you do? मैं लंदन। जी हाँ मैं जानती हूँ। आप जरा चलिए मेरे साथ। आप जानते हैं? Thank you, thank you. उसने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। Oh, that's very bad. मालूम? But मैं अभी पता चला। But how do you know? Let me explain. मैं उसने मेरा सूट उतार लिया। अच्छा? और उसने मेरा चश्मा उतार लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे कुछ दिखता भी नहीं। आप चलिए तो सही। वो आ रही हैं, संभाल लियो। You believe me? That man cheated me. I know, I know. Just a moment. जी। ये साहब हैं। ये मैं लंदन से आया हूँ। अब देखो। Thank you. मुझे नहीं, इसको देखो। You rascal! इधर सगाई बनाने के लिए हम आया, सीधा लंदन से, और तुम ए, हम तुमको मारेगा। का तुम हम का मरी हो? नहीं, हम तुमको मारेगा। ए सुन, ई कहत है ई हम का मरी है। हाँ। ए पर तुमने मुझे धक्का दिया। हाँ धक्का दिया, का करियो? हाँ मैं इससे तुझे मारूंगा। हमका इससे मरियो? हाँ चल मार। मारूं? हाँ चल मार। मारूं? हाँ हाँ मार। अरे 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 अरे, ये आपका मरी है? ये लंदन से आए हैं ना, निशाना ठीक नहीं, आपको मारो। I want it, I want it, I mean, this. देखो इधर देखो। यू I'm sorry. मारू।
आवा आवा आवा। ये अंडा हमार सर पर तोड़ी का है का? बैठा बैठा। ये पकड़ा और ये प्लेट हम का दिया। अभी खाई ला। Hey, Baba. क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कॉफी बना रहा था। रहने दो, मैं उठाती हूँ। मुझसे कह दिया था मैं बना देती कॉफी। क्यों? मैं अपने लिए कॉफी नहीं बना सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, समझी? कौन बता रहा है? दादा, तू जरा दवा लिया बेटी। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी सी तो चोट है, खून ज्यादा आ रहा है, दवा लगवा लो। दादा, दवा लगा दो बेटे। हाथ मत लगाना मुझे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। चले जाओ यहां से, चले जाओ। इन पर क्यों बिगड़ते हो डॉक्टर? ये तो इतना ख्याल रखती है। तुमने मुझे छुआ, ऐसा लगा इन हाथों ने मुझे पहले भी छुआ है। मुझे भी ऐसा लगा जैसे कुछ बीता हुआ हाथ में आ गया हो। हाँ, कुछ बीता हुआ इन हाथों के छूने में, इस आवाज में बहुत कुछ पहचाना हुआ है। सचमुच? हाँ, न जाने मुझे अपनी खोई हुई बहन क्यों याद आ गई। तब मैं बहुत छोटा था, दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं दुखी और परेशान होता था तो मुझे संभालती थी और हमेशा एक गीत गाया करती। ये रात एक सी होती है, ये रात एक सी के सहता है वो मर्द होता है। दिल पे चोट लगे तो दिल में दर्द होता है, ये दर्द जो हंस के सहता है वो मर्द होता है। है
शाही होता है ये रात एक सी होती है। क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? मैं डॉक्टर तुम्हारी तरह ही मेरा एक भाई था। बचपन में वो मुझसे बिछड़ गया। अब उस तक कभी नहीं पहुंच सकती। कभी नहीं। ओ तुम्हारा भाई खो गया, मेरी बहन खो गई। कहाँ जा रही हो? जहां रोज जाती हूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारा गोपाल के पास आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उतनी ही बार मैं बता चुकी हूं मेरा रुकना नामुमकिन है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी ये मजाल, ये बदतमीजी। आखिरी बार कह रहा हूं इस घर से बाहर जाना मना है और ये मेरा हुक्म है। अगर मुझे नामंजूर है तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरी जायदाद का एक नया पैसा भी तुम्हें नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसका नतीजा जानते हैं आप? मेरा गुरूर, मेरी जिद, मेरी बदतमीजी सब आपका दिया हुआ है। दिल में जज्बात नाम की कोई चीज नहीं रही। मैं इंसानियत से कोसों दूर चली गई। आपने मुझे सिखाया कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। फिर मुझे गोपाल मिला, उसने मुझे सिखाया दूसरों का दुख क्या होता है, प्यार क्या होता है, जिंदगी क्या होती है। पैसा नहीं, मुझे अफसोस है आप ये सब नहीं समझ सकेंगे। मैं जा रही हूं डैडी, जहां एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। जाओ, चली जाओ। तुम समझती क्यों नहीं सिस्टर, मैं इस बात को कभी मंजूर नहीं कर सकता कि राधा अपना घर छोड़कर यहां इस तरह से रहे। दुनिया क्या कहेगी? कभी कभी दुनिया की परवाह छोड़कर आदमी या औरत को वो भी काम करने पड़ते हैं जो उसकी आत्मा चाहती है। और जो मेरी आत्मा ने कहा वही मैंने किया। तुम कुछ भी कहो लेकिन यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? मैं दुनिया वालों का मुंह नहीं बंद कर सकता। क्या कह सकती है दुनिया, मैं यहाँ डॉक्टर की हैसियत से रहूंगी जैसे तुम रहते हो। डॉक्टर आदमी हो या औरत क्या फर्क पड़ता है? देखो मैं किसी खामखा की बकवास में नहीं पढ़ना चाहता। और अपनी जिद में रिश्तों को भी ताक पर रख देना चाहते हो। क्या रिश्ता है मेरा इनसे, क्या रिश्ता है मेरा किसी से? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे कि कुछ कह सकूं? क्या रिश्ता है इनका तुमसे ये कुछ कह सके? सिस्टर मत कहो मुझे। अगर सिस्टर ही कहते हो तो मेरी जरा सी बात नहीं मानोगे? लेकिन सिस्टर मेरा कोई हक नहीं है तुम दोनों पर। लेकिन जिस दिन तुम दोनों एक हो जाओगे वो दिन मेरे लिए भी सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। सिस्टर चाहे जो हो जाए मैं इनकी पत्नी बन के रहूंगी। ये फैसला करने वाला कौन है, ये या मैं? फैसला न तुम करोगे न ये, फैसला करेंगे दादा। चलो। तुम मिसाक को नहीं समझ सकते हो जगन, उस डॉक्टर ने मेरी इस तमाम जायदाद के लिए मेरी बेटी दादा को फांसा है। पर गुलशन बाबू तुम ही कहा था कि वो दागदर तो अंधा है। तो क्या हुआ, वो मुझे बर्बाद करने पर तुला है और मेरी लड़की की जिंदगी को भी खराब कर देगा। तो फिर क्या करी बतावा? वही करो जगन जो तुमने पटेल के साथ किया था। गुलशन बाबू कहे के आसान है, करे के मुश्किल। डर गए क्या? तुम समझे ना ही बाबू, पटेल को जब हमने मारा तो औकरी मौत और हमारे बीच सिर्फ अदालत का खतरा था, पर ही दागदर गोपाल जनता का प्यारा है। अब समझे, ई खातिर यहाँ हजार गुना खतरा ज्यादा है। तुम डॉक्टर का सफाया करो जगन, हम तुम्हें हजार गुना ज्यादा मेहनताना देंगे। बस जो कहोगे देंगे, चाहोगे तो अपनी जिंदगी तक दे देंगे। तो हार जिंदगी लेके
अपन अपन चाकू की इज्जत खराब नहीं करेंगे बाबू। तो फिर इससे ज्यादा तुम्हें और घबराओ नहीं, डॉक्टर गोपाल का सफाया हो जाएगा। हाँ, पर अपन वादा याद रखना, मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा तो हमारा अपन चाकू पे है बाबू। आदमी की जबान पलट जाए पर हमार चाकू की धार नहीं पलटेगी। पुलिस को लाश मिलने की कोई उम्मीद नहीं। कुछ समझ में नहीं आता बेटी, अल्लाह ताला किस गुनाह की सजा दे रहा है। राधा बेटी, आपके लिए कोई आए हैं। राधा मेरी बच्ची, सब्र करो, सब्र करो। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती बेटी, भगवान की यही मर्जी थी। गोपाल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन गोपाल ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है बेटी। हाँ, वो खुद तो चला गया लेकिन मेरी मासूम फूल जैसी बेटी को रोने के लिए छोड़ गया। खैर, अब मेरी बात मानो, चलो घर चले, चलो। घर? हाँ। कौन सा घर? मेरा घर सिर्फ यही है। पागल मत बनो राधा, ये घर नहीं अस्पताल है। डैडी, ये अस्पताल भी नहीं मंदिर है। इस मंदिर को गोपाल ने बनाया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। जो काम गोपाल अधूरा छोड़ गए हैं उसे मैं पूरा करूंगी। आप जाइए। कौन बाप अपनी बेटी को इस तरह के लिए छोड़कर जा सकता है? बेवकूफ मत बनो, चलो मेरे साथ। मैं अब आपकी बेटी नहीं रह गई, मैंने गोपाल को अपना पति माना है। अब मेरा घर सिर्फ यही है। दादा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, कमीने, बदसात, मुझे नहीं पहचाना। सीता, क्या चाहती तुम? ये मत भूलो, औरत अबला हो सकती है तो कभी दुर्गा भी बन सकती है। जाती सीता, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था और उसको जिंदा छोड़ दिया था। मुझे इतना गिरा दिया कि मैं अपने ही भाई को भाई कहकर पुकार ना सकी। कुत्ते, कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। नागिन, जिसने तुम्हें दूध पिलाया उसी को डसने आई थी क्या? ठीक है, तुम्हें भी मैं तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देता हूं। क्या क्या किया तुमने? वो भी जब तुम्हारी तरह जहर रुकने लगा मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। क्या? मैंने उसे जान से मार डाला। नहीं! Thank you.
जगन तुम का करत हो बाबू? औरत जात पर हाथ उठावत हो? शर्म करा बाबू, शर्म करा। तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों आए हो यहाँ इस वक्त? क्या चाहते हो? अब हमारे हिसाब कर ही दो बाबू। कितना रुपया चाहिए? रुपया? ना 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 बाबू, अब तो हमार घर बसाई दो। मतलब? सीधा तुम हमार ससुर बन जाओ और तुहार बबली हमार जोरू। तुम जैसे हथियारों को मैं अपनी फूल जैसी बेटी दे दू? हाँ हाँ हाँ, गुलशन बाबू तुम समझे ना ही, हम समझाई थी। देखा, हथियारे तो अपन दोनों है, है ना? अब सुना, धनी की बबली धनी के घर ब्याई जाती है, गरीब की गरीब के घर, और हथियारे की बबली हथियारे के साथ ब्याई जाएगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। भूल गए तो हार बागा, हाँ? करत रही हो, जो मांगोगे वो दूंगा। गुलशन बाबू, अब हम तो है ना ही छोड़ब। ब्याह की तैयारी करा, ना ही तो अंजाम बहुत बुरा होई। कहा समझे फादरिल्ला? छोटे पटेल, तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे भाई को किसने कत्ल किया है? बताओ, बताओ, कौन है वो? पटेल को जगन ने कत्ल किया है और जगन इस वक्त क्लब में होगा। रंगी, जल्दी से गाड़ियों को तैयार रखो और सब ड्राइवरों को बुलाओ। एक गाड़ी मुझे अभी इसी वक्त फौरन चाहिए। मैं राधा को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता हूं और तुम लोग भी एयरपोर्ट पहुंचो, समझे? भाईजान, आखिर मैंने इस कुत्ते की जान ले ही ली। बॉम्बे सेंट्रल और वीटी पर एकदम पक्का बंदोबस्त चाहिए। और सुनो हमीद, जगन और गुलशन को जरा सा भी भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना मैं आग लगा दूंगा। राजू, इनका सत्कार करा।
शादी का इंतजाम है फादर इन लॉ। भूल गए बाबू, जब उन दोनों का काम तमाम किए रहे तब का वादा किया था तुमने हा? कि बबली की शादी हमारे साथ हुई हा? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तेरे जैसे लोफर गुंडे के साथ मेरी बेटी की शादी, कमीने। और तुम कहो बाबू। मैं एक इज्जतदार आदमी, तेरी तरह बदमाश नहीं। अरे तुम्हार इज्जत पे तो थूकना चाहिए, सब खोल के खड़े देता हूँ। राजू जरा सबका पेश कर। कनक माता जी पधारिए, तशरीफ ले आइए। हाँ बबली, तू हैया खड़ी हो हाँ? और तुम्हार बाप के इज्जत भरे कारनामे जरा धीरज से देखा जा। इनका पहचाना था बाबू? नहीं नहीं। अरे कोई बात नहीं। अच्छा कनक, तू पहले कौन धंधा करत रहो? रंग मैं चलाती थी। तुहार काम? लड़कियों को लाना, धंधे से लगाना। तुहार मालिक? गुलशन से। कनक तू इनका पहचान कर बाबू? ये है ना तुहार पैसा कमाने की मशीन, तुहार ईमानदारी का धंधा, इन लड़कियों की आबरू बेच बेच के अपनी इज्जत। बाहर जानता था, क्या यही सब देखने के लिए तुमने मुझे जन्म दिया? इसी पैसे की कमाई से तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, ऐश आराम दिया। मुझे मालूम था कि तुम गलत धंधा करते हो, लेकिन तुम इतने गिर चुके हो, पापी हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। नहीं डैडी, इसे तो यही अच्छा था कि मैं मर गई होती। ये सब देखने से पहले मैंने आत्महत्या कर ली होती। राधा बेटी, मत कहो मुझे बेटी, बेहतर यही होगा कि तुम मुझे गला घोट दो। सुना, तुमको ही लाने का है हमारे खास मकसद। जाने लड़कियां खड़ी है ना, इनके अलावा और हजारों है जो तुहार अत्याचार की चक्की में पिस पिस कर रात दिन बरस दर बरस आंसू बहाती रही, कलपती रही है। आज हम देखा चाहते हैं बाबू, जो तुमने लड़कियों के साथ किया वही तुम्हारी बकरी के साथ किया जाए तो तुम कौन से आसमान से रहोगे? पानी के आसमान से या खून के आसमान से? कैसे नहीं, देख पानी क्या होता है तुम्हारी बकरी के साथ। मैं किसी और की हूँ, मैं जानती हूँ कि गोपालक नहीं रहे, लेकिन भगवान के लिए मेरी प्यार की पवित्रता को गंदा मत करो। हाँ जगन, इसे छोड़ दो, चाहो तो मेरी जान ले लो। अरे तुहार जान ले ले तो कन्यादान कौन करेगा फादर इन लॉ? जगत भगवान के लिए मेरी बेटी पर रहम करो। चुप, तुम रहम किया कौन पे? अब कैसा लगता है इसे देख कर? तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब तो सिर्फ हमार हो के रहोगी। नहीं राधा, तुम्हारी पवित्रता की रक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। और सुन ले पापी, अगर फिर तूने उसे छूने की कोशिश की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे औरत, अरे औरत, तू जानत है कौन मनाई की लड़की है? तू जानत है तो किसको बचाए की खातर अपन जिंदगी दांव पे लगाई रही है? अरे गुलशन की बबली है, और ही गुलशन जो तुम्हार जिंदगी चौपट किए रहा। बाप ने पाप किया है, औलाद ने नहीं। इस कमीनेपन की सजा तुम राधा को नहीं दे सकते। हाँ कभी नहीं, फिर ये मेरे बेटे की अमानत है। अरे चल हट पड़ाओ, कैसी अमानत था? अरे ये तो हमार होने वाली महरारू है बीवी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला दो। अरे बाप पर आ गए दोस्त, इसी ने तुम्हारे बड़े भाई पटेल को मारा था और मुझे जाल में फंसा है। कहता है हरामजादा मेरी बेटी से शादी करेगा, मेरी बेटी की आबरू लूट रहा था जी। तुम इन्हें को जान से मार डालो, जान से मार डालो उसे। तो किसी की बात का यकीन नहीं है, आज सच्चाई नंगी होकर रह गए। बताओ किसने मारा है मेरे भाई को, बताओ। मैं बताता हूं। पटेल, तुम अभी तक जिंदा? हाँ गुलशन सेठ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। मैं भूत नहीं, छू कर देखा। लेकिन लेकिन तुम्हें तो जगन ने मार दिया था। कमिश्नर साहब, इसमें जरूर कोई राज है। राज?
राज यही है कि पटेल खुदा के पास नहीं है, हमारे पास ले आएगा। लेकिन कमिश्नर साहब, ये वही जगन है जिसे हर स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है। ये वही कातिल है जिसे डॉक्टर बबाल का खून किया था। पूछ लिया, खुद पूछ लिया इसे। इसी दरिंदे ने मेरे बेटे को मारा था। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? बोल, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? उसके तो आंखें नहीं थी, उसने लाखों लोगों को जिंदगी दी और तूने उसकी जिंदगी छीन ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तोहार भाई जिंदा है। हाँ, डॉक्टर गोपाल भी जिंदा है। गोपाल जिंदा है? अब इन भेज देते हैं डॉक्टर गोपाल को। कभी नहीं मरा। लेकिन कमिश्नर साहब, जगन ने भागने पाए, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। गुलशन सेठ, अब भी उल्टा सीधा करके बेगुनाह लोगों को फंसाने से बाज नहीं आओगे? अब भी तुम कहते हो कि जगन भागने ना पाए? अरे ई रहा तो हार जगन, ई रहा। अरे पापी, तो ही तो मार दिया हमारा भाई जगन को बचपन में। हमारा भाई तो नहीं रहा, लेकिन तुझ जैसे पापी हत्यारा को पकड़ने के लिए हमका जगन बनना पड़ा। गोपाल ठीक कह रहा है, इन्होंने जगन बनकर जो भी कुछ किया वो हमारा प्लान था। दीदी हो, बड़ी मुश्किल से मिली हो दीदी, अब तो मुझे अनाथ छोड़कर मत जाओ। आज मेरा सपना पूरा हो गया बेटे।